हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है पितृ अमावस्या, तो मैं यहाँ पे बस खाना पीना बनाने में लगी हुई हूँ। तो देखिए, खाने में आज मैं बना रही हूँ खीर बना रही हूँ और आलू टमाटर की सब्जी पूड़ी। बस यही सब मैं बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। तो खीर मैंने बनने के लिए रख दी और दूसरी गैस पर मैं फटाफट से सब्जी बना दूँगी और उसके बाद फिर मैं आटा लगाऊँगी पूड़ियों के लिए। पितरों का जो श्राद्ध करना रहता है ना, तो वो तो मेरी जेठानी और जेठ जी करते हैं आगरा में, लेकिन मैं तो ना पहले दिन जब श्राद्ध स्टार्ट होते हैं उस दिन और लास्ट वाले दिन, तो दोनों दिन ये पूड़ियाँ वगैरह बना के और सबके नाम का खाना निकाल देते हैं। तो बस यही सब मैं करती हूँ और जो दान दक्षिणा हम कर सकते हैं वो सब कर देते हैं। खीर बना के रख दी है, सब्जी बना दी, आटा लगा दिया, पूड़ियाँ बनानी बाकी है, वो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने ना गुन्नू को भी नहला दिया था। आज 10 बजे से इसकी क्लास है और देखिए मैं किचन में लग रही है, यहाँ पे अंदर लग रही थी, इसने मेरा पूरी सीरम की बोतल बेड शीट पर खिला दी। भाई अभी लेके आई थी, कुछ ही दिन यूज़ किया है मैंने इसमें से, बस 4-5 दिन ही यूज किया होगा और पूरा का पूरा इसने फैला दिया। फिर मैं आ गई हूँ किचन में पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं पूजा की तैयारी और मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना रही हूँ। जैसे ही अगियारी जलाई, गुनगुन दूर भाग गई। उसको ना आग से बहुत डर लगता है, दूर खड़ी होकर देख रही है। हस्बैंड यहाँ पे पितरों को पानी दे रहे हैं और अभी ना गुन्नू का भी टाइम होने वाला है, बस मेरे पास में 15 मिनट ही हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे गुन्नू को एक ब्रेड सेक के खिला दूँगी, क्योंकि इसने अभी अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है, और चाय पिला दूँगी। फिर मैं इसको सेंटर छोड़ के आऊँगी। इसीलिए ना मैंने गुनगुन को पहले ही रेडी कर दिया था, मुझे पता था लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी टाइम मुझे नहीं मिलेगा। फिर मैंने गुनगुन को सेंटर छोड़ा और उधर से थोड़ा सा सामान लेके, कल से नवरात्रि लग रही हैं तो फिर मैं ले करके जा रही हूँ घर। मेरे पास में ना माता रानी की कोई भी तस्वीर नहीं थी, तो ये मैं ले करके आई हूँ माता रानी की प्यारी सी तस्वीर और थोड़ा सा पूजा का सामान, धूप सामग्री वगैरह वो सब मैं ले करके आई हूँ। ये देखो मंदिर में ना एक भी तस्वीर नहीं है माता रानी की,
और फिर आके मैंने चाय पी सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं लगूंगी काम में, क्योंकि बर्तन भी ना खूब सारे हो गए थे, तो सबसे पहले इनको साफ़ करके रखूंगी, थोड़ा बहुत जो काम रह गया वो सब करके फिर मैं गुन्नू के पास में जाऊंगी उसको लेने के लिए। वैसे उसकी छुट्टी तो 1:15 होगी, लेकिन जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं चली जाऊंगी, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाऊंगी। वहाँ पे ना देखते रहते हैं तो मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये लोग क्या करा रहे हैं, मुझे घर में क्या कराना चाहिए। तो फिर मैं गुन्नू को लेकर के आ गई थी, और गुन्नू को देखो यहाँ पे ना उसके पापा लेटे हुए थे, तो वो भी अपना पूरा डॉल परिवार लेके यहीं पे लेट गई है। मैं आ गई हूँ फिर से किचन में खाना बनाने के लिए। तो सुबह जो खाना बनाया था ना वो पूजा के लिए बनाया था और हस्बैंड के लिए बनाया था, मैंने खाना नहीं खाया था। और अभी मैं बना रही हूँ गुन्नू के लिए आलू का पराठा, और अपने लिए मैं पूड़ियाँ बना लूँगी साथ में ही। एक गैस पर मैंने तवा रख दिया और एक मैंने कढ़ाई रख दी है। पिछले कुछ दिनों से ना काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो लगता था कि वीडियो बाद में बना लेंगे, पहले काम कर लें, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।